दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं एक प्रोजेक्ट फाइल को ओपन किया है स्केचवेयर प्रो में। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट फाइल है ना दोस्तों, ये व्हाट्सएप का है और कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों। और ये प्रोजेक्ट फाइल के लिए दोस्तों क्रेडिट ज़्यादा है इन भाई साहब को। आप सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, फुल सपोर्ट कीजिएगा, इन्हें क्रेडिट जाता है दोस्तों। और बाकी दोस्तों मैं आपको ये प्रोजेक्ट फाइल दिखा देता हूँ दोस्तों। ये इसका मेन स्क्रीन है, जैसे व्हाट्सएप में होता है ना दोस्तों, बिल्कुल वैसा ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर नंबर वगैरह दोस्तों आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये स्प्लैश स्क्रीन है, जैसे व्हाट्सएप में होता है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये प्रोफाइल है। उसके बाद दोस्तों ये जो है ये होम पेज है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, ये रहा दोस्तों इसका चैट पेज। आप यहाँ से जो है चैट वगैरह कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बड़ा प्रोजेक्ट है। आप जो है यहाँ से दोस्तों जो है ना, आप जो स्टेटस वगैरह दोस्तों आप जो है देख सकते हैं। स्टोरी वगैरह आप जो है दोस्तों इसमें शायद ऐड कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट फाइल है, मैं इसको इंस्टॉल करके नहीं देखा है, ठीक है। मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये किस तरह का ये प्रोजेक्ट फाइल है, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो है ना, आपको फायरबेस आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये रहा दोस्तों, इसमें आपका फायरबेस का डाटाबेस का आईडी वगैरह, जो की वगैरह है दोस्तों, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। और बाकी दोस्तों मैं जो है ना, ये स्केचर प्रो का नया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो है स्केचर ये वाला वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। ये नया अपडेट वर्जन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे जो है ना प्रोजेक्ट रन नहीं होता है और उसमें एरर वगैरह आता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, एरर आता है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको दिखा दिया, ठीक है। बहुत सारे जो स्केचर प्रो है, अलग अलग वर्जन है दोस्तों, तो बहुत सारे स्केचर प्रो में एरर बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन मैं ये जो है अपडेट स्केचर प्रो इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। और देखते हैं, अगर इसमें एरर आता है तो हम उसको फिक्स करेंगे दोस्तों, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट फाइल को दोस्तों हम जो है इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें जो है कुछ एरर आया है दोस्तों। यहाँ पर 3 डॉट सेट टैप काउंट का एक एरर आया है, उसके बाद कॉन्टैक्ट का, उसके बाद यहाँ पर मेनू का। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर चैट एक्टिविटी में हमारा एरर है, उसके बाद हमारा होम एक्टिविटी में है, हम अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको फिक्स कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर है, एक मिनट दोस्तों, मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, एरर है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट का एरर हो गया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरह का एरर आ गया था दोस्तों, इसको मैंने फिक्स कर दिया है। उसके बाद चलते हैं ऑन क्रिएट में। यहाँ पर ये जो है टैप काउंट 3 का ये एक एरर है दोस्तों, इसे भी हम दोस्तों फिक्स कर लेते हैं, एक मिनट दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो है मैं इस प्रोजेक्ट फाइल को रन करूँगा और इंस्टॉल करके देखेंगे दोस्तों। फिलहाल हम इसको जो है कमेंट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक मिनट। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों चैट एक्टिविटी में, और ये रहा चैट एक्टिविटी दोस्तों। हम जो है थोड़ा सा इसका कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है दोस्तों, ये रहा वो मेनू। तो इसको जो है दोस्तों हम इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। हमारा जो कस्टम ब्लॉक है वो यहाँ पर है, और इसे दोस्तों ये पूरा का पूरा जो है हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसे हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम जो है एरर को स्किप करके हम प्रोजेक्ट फाइल को इंस्टॉल करते हैं और चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये प्रोजेक्ट फाइल इंस्टॉल होता है या इसमें और कोई कुछ बड़ा एरर है, हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप करके दोस्तों पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, ठीक है। बिना स्किप करके पूरा लास्ट तक देखिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें जो एरर वगैरह है उसको स्किप करने के लिए, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट फाइल को रन करके दोस्तों मैं आपको दिखा सकूं।
और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों, इसमें अभी कोई भी एरर नहीं आया है और ये दोस्तों अच्छा खासा ये जो है अभी बिल्ड हो रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट फाइल है ना स्केचर प्रो का, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो इसका प्रोजेक्ट जो फाइल है उसका डाउनलोडिंग लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, आप जाके चेक करें, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए दोस्तों, वहां पर आपको जानकारी मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो एप्लीकेशन है, जो प्रोजेक्ट फाइल है, सक्सेसफुली दोस्तों यहाँ पर बिल्ड हो गया है। तो अभी जो है दोस्तों हम इसको इंस्टॉल करते हैं और दोस्तों मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है, विदाउट एरर दोस्तों अभी हमें कोई भी एरर देखने के लिए नहीं मिला और ये इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों। तो हम इसको ओपन करते हैं दोस्तों। ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सएप में जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों और यहाँ पर जो है दोस्तों ये यहाँ पर इंडिया ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया गया है दोस्तों। यहाँ पर जो है आपको नंबर इंटर करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से दोस्तों आप इसको हम करते हैं दोस्तों। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर ये जो है लोडिंग हो रहा है दोस्तों, शायद ये जो लोडिंग जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है मैं यहाँ पर कोई भी फायरबेस का जो है डाटा यहाँ पर इंटर नहीं किया है। आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों ये जो है आपको फिल करना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप जो है इसे चेक कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों मुझे लगता है ये काफ़ी तगड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत कुछ ऑप्शन वगैरह दोस्तों आप दिया गया है, ठीक है, जैसा व्हाट्सएप में जैसा दोस्तों होता है ना बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका कुछ कस्टम व्यू मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोडिंग का है, उसके बाद दोस्तों ये कॉन्टैक्ट लिस्ट का है और यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग का है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे व्हाट्सएप में होता है दोस्तों बिल्कुल वैसा ही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छा प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों, मैं आपको दिखाया, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए, चेक कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है तो जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिए, आपका जो दोस्त है फ्रेंड है ना उसके पास शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाय।